तो उस तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड था गाइस, तो अभी मैं इधर इसको बुला लिया था। देख रहे चली जा रही महारानी साहिबा, बैठिए। देख सकते हैं जैसे ही गाइस यहाँ पर कैफे खाली हुआ और इसका देखिए हरकत स्टार्ट हो चुका है बच्चा वाला। और आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना मस्त डेकोरेशन किया हुआ है सारा। क्या देखिए गाइस, आप लोगों को क्रिकेट भी दिखा रही है यहाँ पिज्जा के साथ पूरा। ये सॉस का बोतल ही देके चल गया और सोचता बड़ी घर ले जाएगी। रख लो बैग भी डालो जल्दी से, पागल ये सवाल करना भी मत। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ सर ये लोली। जल्दी काम हो गया ना तुम्हारा? पूरा लाल हो चुका है ये वाला पूरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी रोहित। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे गाइस। तो बहुत दिन के बाद, करीबन डेढ़ मंथ के बाद गाइस, एक शख्स से जा रहा हूं मैं मिलने के लिए। तो वो शख्स कौन है वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। ऐसे आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो थोड़ा बहुत पता चल चुका होगा गाइस, मेरे को भी पता है। तो अभी मैं फटाफट मैं रेडी हो चुका हूं, देख सकते हैं आप मैं रेडी हो गया हूं। तो मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर चुका हूं और अभी हेलमेट वगैरह का सेटअप भी करके रख दिया हूं, क्योंकि मोटर ब्लॉगिंग भी करते जाऊंगा। और अभी मैं बोध गया जा रहा हूं निर्वाणा कैफे, एक वहां पे है उसमें। तो वो बहुत दिन से बोल रही थी घुमाने के लिए गाइस, तो मैं सोचा कि जाता हूँ घुमाओ भी दूंगा उसको और एक ब्लॉग भी बन जाएगा मस्सा। तो चलता हूँ फिर जल्दी से। और गाइस उसके नाम का एक मैं टैटू भी करवाया था, देख सकते हैं यहाँ पे एक टैटू भी है। तो ये वाला टैटू भी करवाया था और वो अभी तक देखी भी नहीं है, क्योंकि मैं कोलकाता में था और जब गया आया था तो वो नानीघर से आई है। तो अभी मैं जाता हूँ उसको दिखाऊंगा और देखता हूँ उसका रिएक्शन कैसा होता है। ऐसे तो मैं जब बनवाया था तो उसको बता रहा था, तो उसको लग रहा था मजाक मैं कर रहा हूँ, बोल रही थी कि नहीं तुम नहीं बनवाए हो, बस ऐसे ही पेन से है, वो बाद में मिटर जाएगा। तो अभी देख सकते हैं ये मेरे हाथ पे ये टैटू और इसका ऊपर वाला जो चमड़ा उखड़ चुका है, तो ये अभी कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा, अभी तो ये सूख रहा है धीरे धीरे। तो अभी चलता हूँ, उसका रिएक्शन भी देखता हूँ क्या होगा और उससे भी पूछूंगा कि वो कब बनवाएगी। और ये वीडियो को बिना स्किप किए देखिए गाइस, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलता हूँ फिर फटाफट मैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सो गाइस फाइनली घर से निकल चुका हूँ और आज काफ़ी लेट हो चुका है निकलने में ही, क्योंकि 3 बजे निकलना था हम लोग को और 3:06 ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी देखता हूँ कितना टाइम और लगेगा मेरे को वहाँ पर पहुँचने में उसके पास। जल्दी करने के लिए सोचेंगे ना गाइस तो हमेशा लेट ही होगा, बहुत टाइम बचा हुआ रहेगा तब देखते हैं, लेट ही नहीं होता तुरंत काम हो जाता कोई भी। हमें बाइक के नीचे से कुछ आवाज़ भी आ रहा थोड़ा सा, वो ढगर ढगर वाला एक प्लेट है वो ढीला हो गया नीचे का, पता नहीं उसको टाइट करवाना पड़ेगा। अब रोड तो रोड का, इस गली में भी जाम मिलने लगा, क्या करूँ। सोचता था पहले गली से निकल जाऊँगा जल्दी से, बट अब गली में भी जाम मिल रहा देख सकते हैं। बोला ना जिस दिन लेट होता है उस दिन अच्छा से ही लेट होता है पूरा, कोई नहीं जब लेट हो ही चुका है तो थोड़ा और लेट सही, इससे अच्छा हम रोड से जाए जो सही होता। सो गाइस उधर के जाम से निकले, अब देख सकते हैं कि और जाम यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी, और मेरे को यहीं पे ही जाना था। अब मेरे को सीधा जाना, अब मैं कैसे जाऊँ, बहुत ज़्यादा ही जाम है। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे रुक के उसको बुला लेता हूँ कॉल करके। तो उस तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड था गाइस, तो अभी मैं इधर इसको बुला लिया था। देख रहे चली जा रही है सुर में महारानी साहिबा, बैठिए। तुम वो बुलाते कहाँ पे आती किधर, इतना ज़्यादा यहाँ पर जाम लग जाता नहीं लोग के चक्कर में, यात्री लोग आया हुआ रहता है और पूरा जाम लगा दिया होता है। और अब कौन गली से निकले हैं गाइस, वो वाला भी गली लगता है शायद बना रहा हुआ रोड, पता नहीं है भी कि नहीं है। गाइस देख सकते हैं कितना कौन कौन रोड से जाना पड़ रहा है उस ट्रैफिक के चक्कर में। और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है रोड का सारा, पूरा मिट्टी भी है, गीला गीला भी है मिट्टी। और कुछ रोड तो देख सकते हैं पूरा एकदम वर्क हावर ऑफ रोड है। सो गाइस फाइनली बाईपास पहुंच चुके हैं और अभी बाईपास पे भी देख सकते हैं ट्रैफिक है, बट उतना नहीं है जितना उधर था। तो अभी यहाँ पर से जल्दी से चलते हैं बोध गया। ऑलरेडी देख सकते हैं 3:24 हो चुका है इधर ही टाइम, और 5 मिनट तो ये स्लो है, मतलब 3:29 हो रहा होगा अभी। और इधर भी ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है अभी से ही, पता नहीं आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है रोड पर। और ये बस वाला को देखिए कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, बगल में कोई खड़ा हो जाएगा 5 मिनट तो लगता है पूरा काला कर देगा उसको।
देख सकते कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है गाइस। गाइस फाइनली ये बस से भी आगे निकल चुके हैं, बहुत देर से परेशान करके रखा हुआ था पीछे, और अब फटाफट जल्दी से चलना पड़ेगा। देख सकते गाइस यहाँ पे कोई चीज़ का चेकिंग वगैरह हो रहा है, सारे ऑटो वगैरह को रुकवाया जा रहा है पता नहीं क्यों। गाइस फाइनली बोधगया पहुंच चुके हैं, तो अभी चलता हूँ रेस्टोरेंट के पास। तो रेस्टोरेंट बोधगया के अंदर ही है, तो अभी मैं मेन वाला रोड से जाऊंगा, वो राजापुर वाला रोड से नहीं जाऊंगा क्योंकि रेस्टोरेंट इस साइड से पास में पड़ता है, उधर से थोड़ा दूर पड़ेगा। सो गाइस देख सकते हैं अभी बोधगया भी पूरा एकदम पुलिस वगैरह भरा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे बोधगया में जो दलाई लामा आया हुआ है वो आया हुआ है, तो अभी यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है इन लोग का, भोटिया लोग का। कोई देख सकते हैं यहाँ पे दिया वगैरह, रात में आइएगा तो ये सब दिया वगैरह जलते रहता है और खूबसूरत लगता है। और इधर से मेन टेंपल का एंट्री है, और गाइस देख सकते हैं ये वाला रोड मेन टेंपल से इस तरफ आ रहा है, और यहाँ से ही हम लोग को लेफ्ट मुड़ना है 80 फीट वाला मंदिर की तरफ, और ये पास में ही यहाँ पे रेस्टोरेंट है वो वाला। बस ये एंट्री करेंगे, थोड़ा सा चलना पड़ेगा है, बाइक से हूँ तो क्या ही चलना पड़ता है गाइस। और ये वाला पार करते ही देख सकते हैं इस साइड में निर्वाणा द भेज कैफे, भी यहाँ पे चलते हैं, बाइक को करते हैं यहाँ पे पार्किंग। तो गाइस अभी कैफे के अंदर चल रहे हैं, कैफे के अंदर जाने के लिए रूट इधर से है, और अभी हम इसको बोल रहे थे कि अभी वो जो चाइनीज लोग रोड पे घूम रही है उसके जैसे ही लग रही है, अगर इसको भी अभी ही यहाँ चाउमिन शेयर करेगी तो इसको भी सब समझ लेगा कि ये चाइना से आई है। तो चलो अंदर। सो गाइस आज मैडम के साथ आए हुए हैं, तो अभी ऑर्डर कर रही है मैडम, तो क्या ऑर्डर कर रही है? तो पिज्जा और तो अभी पिज्जा फ्राई मोमो ऑर्डर हो रहा है, और कोल्ड कॉफ़ी भी देखता हूँ करता हूँ। तो अभी काफ़ी यहाँ पर क्राउड है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, बस थोड़ा बहुत क्राउड है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है ऑर्डर लेने में। तो कोई नहीं, हम लोग इतना लेट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ा और लेट होगा तो क्या होगा। और गाइस यहाँ का डेकोरेशन देख सकते हैं, ऊपर में पूरा मतलब डायरीज वगैरह और किताब वगैरह से किया हुआ है, देख सकते हैं दूर दूर तक उधर। और एक और यहाँ पे अच्छा है, ये झुलवा वाला है जिस पे बैठ के झूल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग वगैरह इसलिए शर्मा रही झूलने में, बोल रही लोग चल जाएंगे तब झूलोगे ना, कोई नहीं तो अभी लोग खा के जाते हैं तो फिर ये झूलेगी। गाइज एक और चीज़ देखिए, मैं एक टैटू करवाया था इसके नाम का, तो ये अभी फर्स्ट टाइम ये वाला टैटू देख रही है, क्योंकि उतना दिन से लोग मिले नहीं थे, तो अभी ये देख रही है टैटू को। क्या तुमको तो मजाक ना लग रहा था, मजाक लग रहा था ना तुमको, आप पागल देखो ना जी, उतना दिन से तुम तो दिख रहा देख नहीं रही हो, अब उसका चमड़ा भी ऊपर वाला उखर गया हल्का हल्का, अब तुम्हारी बारी, तुम करवाओगे ना? कब? अच्छी ओ मेरा पहले अपना शादी के बाद, अच्छा देख लो अच्छा से चारों तरफ मिटार उटार के भी देखना तो देख लो, देखिए गाइस मिटार के भी देख रही है, कहाँ से आते हैं ये लोग। बेचारी को बहुत देरी वेट कराने के बाद देख सकते हैं गाइस अभी आया है मोमो और कोल्ड कॉफ़ी बस, और पिज़्ज़ा भी लेट है, तो अभी पहले इसको खाते हैं, उसके बाद फिर पिज़्ज़ा आता है तो वो भी खाऊंगा हम लोग। चलो खाना स्टार्ट करो जल्दी से। आप देख सकते हैं जैसे ही गाइस यहाँ पर कैफे खाली हुआ, और इसका देखिए हरकत स्टार्ट हो चुका है, बच्चा वाला तोड़ दोगे जी, झूलो उस पर सही से, इधर वाला चेक करो, हाँ उस पर देखो तो, हाँ ये ठीक है ना, वाह पूरा एंजॉयमेंट हो रहा है। तो उस टाइम से कहा नहीं झूल रही थी, उन लोग था इसलिए, वार शर्माई, अब कोई नहीं है, हम है ना मेरे सामने,
तो गाइज अभी पिज़्ज़ा का वेट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी खाना वगैरह तो हो चुका है, पिज़्ज़ा आता है तो फिर उसको भी खा के चलेंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइज कितना मस्त डेकोरेशन किया हुआ सारा। क्या देखिए गाइज, आप लोगों को क्रिकेट भी दिखा रही है। तो गाइस आज से श्वेता भी बोली ब्लॉगिंग करने के लिए, तो अभी ब्लॉगिंग ये करेगी। तो अब तुम करोगी ना ब्लॉगिंग? हाँ। अपना चैनल खोलोगे कि यही इसी पे आएगा तुम्हारा ब्लॉग? इसी पे आएगा। इसी पे आएगा? हाँ। कब से? नेक्स्ट टाइम। तो ये वाला वीडियो भी तो आएगा ना पहले? हाँ, अभी तो ये वाला आएगा। और देख सकते हैं गाइस इसको और दोनों को सेम लग रहा है ये भी। तुम्हारा परिवार लगता है ना? मेरा तो परिवार लगता है। तुम्हारी लग जैसा लगता है। देखो तो देखिए गाइस, नहीं लग रहा है गजब बेइज्जती है? नहीं लग रहा है। नहीं गाइस लग रहा है। और देख सकते हैं गाइस काफ़ी वेट कराने के बाद पिज़्ज़ा भी आ चुका है, और मैडम खाने के लिए जल्दी से बैठ गई। अभी तो वहाँ पर पिक वगैरह क्लिक करवा रही थी। कितना बदमाश हो तुम। चलो जल्दी से हम निकालो इसको। गाइस यहाँ पिज़्ज़ा के साथ पूरा ये सॉस का बोतल ही दे के चल गया, और श्वेता बोरी घर ले जाएगी। रख लो, लो बैग भी डाल लो जल्दी से। पागल, ये सवाल करना भी मत। कैसा लगा मेरा मजाक? हंस रही है लोली। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे खाना वगैरह भी ख़त्म हो चुका है, और सारे अंकल लेके चल गए सारा कुछ प्लेट वगैरह। और ये मैडम का तो पिक लेना ही ख़त्म नहीं होता है, तो ये लोग यहाँ पर से खा लिए। और कितना खा लिया हमने, पेट भर के खा लिए, पेट से भी ओवर खा लिया गाइस, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो खा पी के हम लोग और कुछ बच चुका है, उसको पैक करवाने के लिए भेज दिए नीचे। तो फिर लोग यहाँ से जाएंगे। इसको क्या करवाना? तुमको क्या करवाना है? तो इसको कान में इयर रिंग पहनने के लिए कान छिलवाना है एक, और क्योंकि हॉलीवुड जाते हैं और वहाँ पर इसका काम करवा देते हैं कान वाला। हो गया सब कुछ, और फिर से आ चुके हैं मोटो ब्लॉग सेटअप में। और मैडम को देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक बैठी हुई है। जल्दी से रखो, चलो। तो अब चलते हैं जल्दी से अपने बाइक पे, और फिर चलते हैं। इसका कान भी छिलवाना है गया जाकर, तो अभी सबसे पहले हॉलीवुड जाना पड़ेगा गया में, वहाँ पे जाके कान छिलवाएंगे। बहुत लेट लगाती है गाइस लड़की लोग। ओहो, तो मैं चलता हूँ नीचे फिलहाल अभी। और देख सकते हैं गाइस जाते जाते भी इसका फ़ोटो नहीं ख़त्म हो रहा है। बोलिए एक क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर ही दो। देखो आया सही। हाँ। चलो तो अब जाके निकल रहे हैं गाइस यहाँ से। क्या करूँ गाइस, पता ही आप लोग को, लड़की को लेके चलने में बहुत ज़्यादा ही लेट होता है। और यहाँ रहा अपना ड्राइवर लगा हुआ है यहाँ पे, ये रहा अपना ड्राइवर। तो अब इसको जल्दी से स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ। बाय बाय कर देता हूँ निर्वाणा कैफे को। और निकल चुके हैं गाइस वहाँ से, और ठंड भी लग रहा है बहुत, क्योंकि शाम हो चुका है, 5 बज चुका है ऑलरेडी। इसको हम बोले थे जैकेट पहन के आने के लिए, बट आई नहीं। ठंडा लग रहा है ना? हम पहले ही ना तुमको बोले थे जैकेट पहन के आना। हम तीन पहन के आए हैं गाइस, एक इनर भी पहने हुए, एक स्वेटर भी, और एक ऊपर से जैकेट भी पहने हुए, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ। सुबह का यहाँ का टेम्परेचर था 2.9 डिग्री, सोच सकते हैं आप। सो गाइस अब बोध गया का भी बाय बाय करने के बारी आ चुका है, और अब हम लोग घर की ओर निकल चुके हैं। हाँ, और थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं गाइस कुहा भी होने लगा है रोड पर। कैमरा में नहीं आ पा रहा है, बट कुहा हो चुका है रोड पर हल्का हल्का दम, क्योंकि ये वाला रोड गाइस नदी का एरिया पड़ता है ना पूरा। इधर का देख सकते हैं यहाँ पूरा जितना दिख रहा है आपको, पूरा नदी है ये, दूर दूर तक आपको नदी ही नदी दिखेगा, इसलिए ये वाला रोड पे ज़्यादा ठंड पड़ता है। और दोनों तरफ से पेड़ भी, और बगल में नदी भी है, और ये रोड पे कुआ अभी तो थोड़ा कम है, बट और शाम होते होते, मतलब नाइट होते होते अच्छा खासा कुआ यहाँ पे बढ़ जाएगा गाइस। और ठंड तो वाकई में बढ़ चुका, मैं तो तीन पे नहा फिर भी ठंड लग रही है, कैसे बर्दाश्त करके बैठी हुई है। दोनों हाथ मेरे पॉकेट में डाल चुकी है इधर इधर और बैठी हुई है। वैसे बोध ज़्यादा दूर नहीं है गया, बट फिर भी थोड़ा लगता है कि
ठंड ना लग जाए, ठंड के दिन में थोड़ा बच के रहना चाहिए। और गाइस वैसे तो मेरे को ठंड से बहुत प्यार है, मतलब कि मेरे को ठंड बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी ठंडा ठंडा जगह मेरे को जाने में भी अच्छा लगता है, मनाली गैंगटॉक वगैरह। बट अभी गया में इतना ठंड हो चुका है कि हम लोग को तो गैंगटॉक और मनाली का फीलिंग यही प्यार है। बस एक ही चीज़ का कमी है कि थोड़ा बर्फ़ वगैरह नहीं गिर रहा है, इसलिए तो मेरा गैंगटॉक का प्लानिंग बन रहा है जाने का। बट अभी देखता हूँ कब जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मैंने बाइक से जाने का गैंगटॉक, और अभी बाइक से जा नहीं सकता हूँ क्योंकि लाइसेंस मेरा बना नहीं है अभी। तो डीएल बनने में मेरे को टाइम है, मैं हर महीना में सोच रहा हूँ इस महीना में बना लूँगा बट बना नहीं पा रहा हूँ। तो अभी देखता हूँ कौन सा महीना बनता है। ऐसे तो गैंगटॉक जाना है, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो तेजस को बोला कि चलो ट्रेन से ही चलते हैं हम दोनों, बट अभी नहीं पता क्या चीज़ जाएंगे, देखते हैं। बाइक से जाएंगे गाइस तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भी जाना रहेगा अपना बाइक रहेगा, कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो अभी देखता हूँ कब जाता हूँ, प्लानिंग तो बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ फरवरी के बाद जाऊँगा, मार्च टाइम या जनवरी लास्ट तक भी जा सकता हूँ गाइस। तो अभी कोई कंफर्म नहीं कब जाऊँगा, जब मूड मतलब पलटा तो चला जाऊँगा। गाइस गया आते ही देख सकते हैं फिर से हम लोग को ट्रैफिक मिल चुका है, वो भी एकदम तगड़ा वाला, सामने से एक बस भी घुसा दिया देख सकते हैं, और पूरा मंगलवार के पास पूरा जाम लगा कर रखा हुआ है। तो गाइस पूरा उधर जाम को फाड़ते हुए निकलते हुए आ चुका हूँ, और जीबी रोड पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे हॉलीवुड है यही गली में। तो अभी चलता हूँ हॉलीवुड में, और इसका काम जो है वो निपटा लेता हूँ जल्दी से। तो यहीं पे बाइक को जल्दी से पार्किंग करता हूँ, चलो इधर इधर, और देख सकते हैं गाइस ये हॉलीवुड है, और इधर से सीढ़ी है ऊपर जाने का, और देख सकते हैं किस तरह से डेकोरेशन किया हुआ है, पूरा भूत कंगाल वगैरह का भी यहाँ पूरा लगाया हुआ है। आ चुके हैं गाइस, और इसका देख सकते हैं कहाँ पे करवाओगे, मार्क करवा लो पहले, मिरर यहाँ करो, पर मैं करवाती यहाँ पे, यहाँ पे रहता सही ना, एक फिर यहाँ करा लेती बाद में अगर करवाना रहता तो। कितना जल्दी काम हो गया ना तुम्हारा, पूरा लाल हो चुका है ये वाला पूरा, नहीं ऊपर ज्यादा उस पर होता था फिर हड्डी रहता ना वहाँ पे, कान का दर्द देता। तो अब यहाँ से भी वाला काम हो चुका है गाइस, अब इसको जल्दी से घर छोड़ना है, फिर घर छोड़ के अपने घर भी जाना है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो गाइस फाइनली इसका सारा काम करवा के इसको लेके चला है, और इसको अब घर छोड़ने का भी बारी हो गया, और बाय बाय करने का भी टाइम आ चुका है इसको। तो अभी इसको छोड़ कर देखता हूँ कहाँ जाता हूँ, तेज के पास भी जाऊँगा क्योंकि उसको भी बोल दिया था कि आऊँगा मैं। तो अभी इसको पहले छोड़ देता हूँ जल्दी से, चलो जाओ बाय। तो अब जा रहा हूँ गाइस तेज के पास, क्योंकि उसको भी मैं कॉल किया था कि आऊँगा आज दोपहर में ही, उसको बोला था कि आऊँगा 5 बजे तक, और मेरे को लेट हो गया, अभी 6 बज चुका है, बट कोई नहीं। सो गाइस तेजस के पास आए थे बट तेजस तो मिला नहीं, तेजस मानपुर में। तो अभी रिशु मिला है गाइस, और देख सकते हैं पूरा एकदम ठंड इसको बहुत ज्यादा लग रहा है। फैजू नहीं बोलता है भाई, फैजू से मिलना है, अरे फैजू से नहीं रहे तेजस से बोले। तो गाइस ये ब्लॉग को यहीं पेंट कर रहे हैं, ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा ही आदमी है। ठीक है गाइस बाय, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन से।